हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं कि आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का, जो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, समझे, जिसका नाम है लेसन 5 का है, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि रोजगार क्या होता है, मैंने रोजगार का क्या अभिप्राय है, बेरोजगार का क्या अभिप्राय है, इनको कितने सेक्टर में बांटा गया है, इसका क्या महत्व है, सारा चीज को हम लोग बारी बारी करके समझेंगे। तो समझते हैं, जैसे सेवा क्षेत्र में रोजगार का महत्व काफी अधिक होता है। यानी तीन प्रकार के सेक्टर होता है जो आगे हम लोग को पढ़ना है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। यानी तीन प्रकार के सेक्टर होते हैं। यानी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है कृषि का, द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है औद्योगिक और तृतीयक सेक्टर के आता है अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। यानी रोजगार में सेवा क्षेत्र का काफी अहम रोल होता है। यानी इन्हीं तीन प्रकार के सेक्टर में सबसे अधिक आय जो प्राप्त होता है, वो क्या होता है, सेवा क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है कि जो तीन प्रकार के सेक्टर होते हैं, उन तीन प्रकार के सेक्टर में सबसे अधिक आय का सृजन किसमें होता है। तो सबसे अधिक आय का सृजन किसमें होता है, तो तृतीय सेक्टर में होता है, यानी कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में होता है। रोजगार से हमारा अभिप्राय देश के मानव संसाधन के कार्यों में लगाना है। यानी रोजगार जो होता है, रोजगार के अभिप्राय यही होता है कि हमारे देश में मानव संसाधन को क्या करना है, हमारे देश में मानव संसाधन को क्या करना है, उसके कार्य में लगाना है। यानी कार्य में लगा करके क्या करना है, उससे अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि मानव संसाधन क्या है, ना? तो ये क्या है, मानव संसाधन क्या होता है। तो मानव संसाधन, देखिए विद्यार्थी, हम लोग पहले मानव संसाधन को समझने से पहले हम लोग संसाधन को समझ लेते हैं। क्योंकि पिछले क्लास में भी हम लोग क्लास में जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त समझे थे, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं कि संसाधन उसे कहा जाता है जो मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उसका इस्तेमाल करे और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर ले। जैसे ये पेन है, ये पेन जो है ये लिखने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, यानी लिखने के कार्य जो हो रहा है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रहा है, समझ में आ। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संसाधन। और जो मानव किसी कार्य को करके अपनी आवश्यकता को पूर्ति करता है उसे कहते हैं मानव संसाधन। यानी कोई मानव किसी कार्य को किया और कार्य को करने का एक निश्चित उपाय, एक निश्चित प्रेरणा होता है, उपाय होता है, और अपने उसी के संदर्भ में क्या करते हैं, अधिक से अधिक आय प्राप्त करते हैं, समझ में आ। यानी उपयोगिताओं का सृजन करके संसाधन के रूप में, संसाधन को क्या करते हैं, पूंजी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, समझ में आ। तो अब समझते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, बढ़ती है। यानी मानव संसाधन जो होते हैं, मानव संसाधन के उपयोग करके कार्य करके क्या करते हैं, अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कार्य करते हैं। सामान्य जनमानस के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं, यानी सामान्य लोग होते हैं जिनके पास निश्चित रोजगार नहीं होता है, वो चाहते हैं कि बस मेरा जो सामान्य, हमारा जो सामान्य लोग होते हैं, वो सामान्य लोगों के लिए निश्चित आवश्यकताएं, एक मेरे को क्या चाहिए, रोटी हो जाना चाहिए, मकान हो जाना चाहिए और एक कपड़ा हो जाना चाहिए। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी मानव पूंजी के स्रोत पर ही आधारित होते हैं, जैसे जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन मानव पूंजी के स्रोत ऐसे होता है आठ, समझ में आया, मानव पूंजी का स्रोत क्या होता है, आठ होता है, लेकिन मुख्य रूप से पांच होता है। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा होता है और एक परिश्रम होता है, समझ में आया। यही मुख्य पांच होते हैं जो मनुष्य के क्या होते हैं,
मनुष्य के पूंजी का स्रोत होते हैं। यदि यदि किसी व्यक्ति के पास रोटी नहीं रहेगा तो ऊर्जा नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे जीवन में क्या है, अहम रोल है रोटी का। हम लोग को कपड़ा की भी आवश्यकता होती है और रहने के लिए घर की भी आवश्यकता होती है। तो ये तीन फैक्ट हुआ। और चौथा होता है हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए परिश्रम का होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपने धन को अर्जित करना चाहता है या किसी कार्य को करना चाहता है या पढ़ाई करना चाहता है, यदि आप लोग अपने घर पे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, आने वाले भविष्य में आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक मेहनत करना चाहिए। तो किसी भी सेक्टर में, किसी भी कार्य में हम लोग का क्या होना चाहिए, परिश्रम का होना काफ़ी जरूरी है। तो ये चौथा क्या होता है, परिश्रम। और पांचवा होता है शिक्षा, जो काफ़ी ये महत्वपूर्ण होता है। किसी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी सेक्टर में कोई आपको रोजगार मिला या कोई रोजगार आप ले रहे हैं, तो क्या है, उसमें शिक्षा का अहम भूमिका होता है। अगर शिक्षा नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। समझना ना, शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए आय एकत्रित करते हैं। यानी यही पांच ऐसे पूंजी का स्रोत होता है जो मानव संसाधन में पूंजी का पांच मुख्य स्रोत होता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, सॉरी शिक्षा और परिश्रम। यही पांच ऐसे होता है जिनकी बदौलत हम लोग क्या करते हैं, जिनकी बदौलत जीविकोपार्जन अपना करते हैं। यानी आय को एकत्रित करते हैं या धन को एकत्रित करते हैं। समझे ना। अब हम लोग समझ लेते हैं आय क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थी, आप लोग को बताए थे आय, इनकम। यानी आय उसे कहा जाता है जो कोई व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा या अपने मानसिक के द्वारा किसी कार्य को करने के बाद में उनको जो निश्चित अर्थव्यवस्था प्राप्त होता है, वो निश्चित धन प्राप्त होता है, उसे आय कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, सपोज है, अगर कोई व्यक्ति है जो निश्चित क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उस मेहनत को क्या कर रहा है, पूंजी में कन्वर्ट कर रहा है, वो क्या है, वही हमारा आय है। समझ में ना, उसे क्या कहा जाएगा, आय के नाम से जानते हैं, यानी इनकम। यानी समझने के लिए 10 रुपया की कोई चीज है, समझे ना क्या है, 10 रुपया का चीज है और वही 10 रुपया के चीज को हम लोग 15 रुपये में बेच दिए। समझ में ना, कितने रुपये में, 15 रुपये में बेच दिए। तो वही 15 रुपये में जो बेच दिए हैं, यानी इसमें से 5 रुपया हम लोग को क्या हुआ, 5 रुपया लाभ प्राप्त हुआ। वही लाभ जो होता है 5 रुपया, यही 5 रुपया लाभ हमारा इनकम होता है। समझ में ना, तो इसी को इनकम के नाम से जाना जाता है। वो दो सेक्टर में होता है, यानी दो पार्ट में होता है, या तो श्रम करके या मानसिक श्रम से। समझ में ना, ये दो प्रक्रिया से होता है। या तो कोई मजदूर मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद में जो उनको परिश्रमिक मिलता है, जो उनको पैसा मिलता है, वही क्या होता है, आय होता है। या कोई मानसिक रूप से अपना कार्य करके जो उनको परिश्रमिक मिलता है, उसे क्या कहा जाता है, आय के नाम से जाना जाता है। समझ में ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं एकत्रित आय या धन। एकत्रित आय या धन को पूंजी के रूप में व्यापार किया जाता है। यानी जो वही धन अर्जित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, या आय को एकत्रित करने के बाद में उसको क्या करते हैं, हम लोग भिन्न भिन्न कार्य में लगा देते हैं, जैसे व्यापार में, जैसे किसी सेक्टर में लगा देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वही हमारा क्या है, निश्चित पूंजी होता है। अब देखते हैं रोजगार एवं सेवा जो होता है, एक दूसरे के पूरक होता है। समझ में ना, यानी जितना ही किसी व्यक्ति को निश्चित रोजगार मिलेगा, निश्चित आय प्राप्त होगा, उतना ही सर्विस सेक्टर में, यानी उतना ही सेवा क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान कर पाएंगे। समझ में ना,
क्या करेंगे, अधिक से अधिक योगदान प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक, अब मान लेते हैं कि इसीलिए हम कहते हैं कि अधिक मेहनत करना चाहिए, अधिक पढ़ाई कीजिए, घर में आप हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन अच्छे से पढ़िए। अब थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पूंजी, यानी मानसिक तौर पर हम लोग का पैसा मिलेगा, यानी आपका जॉब लग जाएगा, या आप किसी बड़े बड़े मतलब कंपनी का मालिक हो जाएंगे, तो बहुत कम समय में आपको बहुत पैसा मिल जाएगा, या अधिक थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, जिंदगी भर स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो इस क्या हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, आने वाले समय में आपके पास किसी प्रकार की स्रोत नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएंगे, आपका स्थिति खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम पैसा ज़्यादा मेहनत, यानी एक आम मजदूर होते हैं, ज़्यादा मेहनत कम पैसा मजदूर होते हैं, समझ गए ना, ज़्यादा पैसा कम मेहनत एक एम्प्लॉय होते हैं जिनको रोजगार बोलते हैं, समझ गए ना। इसीलिए हम कहते हैं कि अधिक से अधिक क्या करना है, मेहनत करना है, और मेहनत करके अपना जीविकोपार्जन के लिए सारा कार्य करना है। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि रोजगार जो होता है, रोजगार और सेवा एक दूसरे के पूरक होता है, एक दूसरे के क्या होता है, पूरक होता है, समझे। तो आशा करते हैं कि समझ में आता हो। अब आगे समझते हैं आर्थिक क्षेत्र, यानी इसको समझते हैं आर्थिक विकास के क्षेत्र, यानी कहने का अर्थ ये है कि इनको तीन सेक्टर में बांटा जाता है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, और तीसरा सर्विस सेक्टर। यानी तीन प्रकार की ये सेक्टर होता है जो अन्य प्रकार के एग्जामों में अन्य तरीके से पूछ लिया जाता है, समझे। तो आज हम लोग केवल पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो अगला जो दो सेक्टर बच गया उसको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो पहले इस सेक्टर को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहला होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए हमारा, हम जानते हैं कि हमारे देश में, हमारा भारत जो होता है कृषि प्रधान देश है, यानी हमारे देश में जितने भी लोग हैं उसका 67% भाग जो होता है उसका कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यानी कहने का अर्थ है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। पहले कि ये पूछ लिया भी जाता है कि भारत किस प्रकार का देश है, तो कृषि प्रधान देश होता है। कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का 67% बोझ होता है, यानी 67% पूरे भारत की जनसंख्या का 67% ऐसे लोग होते हैं जो कृषि पर ही आश्रित होते हैं, यानी उनका जीविका उपार्जन का स्रोत क्या होता है, कृषि कार्य होता है, समझ रहे हैं ना। अब आगे समझ लेते हैं, यानी कहने का अर्थ यह है कि अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण रोजगार के अवसर जो होते हैं क्षीण होते हैं, यानी हमारे देश में अत्यधिक जनसंख्या रहेगा तो क्या होगा, रोजगार मिलना काफी कठिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोजगार मिलना काफी कठिन हो जाएगा। इसलिए जनसंख्या पर, जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या होता है, रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए क्या करना है, हम लोग को ओवर टैलेंटेड बनना है, समझे ना। जब आप ओवर टैलेंटेड होंगे तब आपको चयनित किया जाएगा, तब आपका जॉब लग जाएगा, या कोई भी सेक्टर में आप टैलेंट नहीं रहेंगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए घर पे और पढ़ाई भी करते रहें, जिसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाए जाते हैं। यानी आप लोग को 9th क्लास में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको बताए थे कि बेरोजगारी जो होता है इसको दो सेक्टर में बांटा जाता है। पहला सेक्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी, और दूसरा शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी, समझ में ना। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी जो होता है, जैसे मौसम परिवर्तन के अनुसार क्या होते हैं, उनको एक निश्चित रोजगार मिलता है, समझे न। तो इसी प्रकार के संदर्भ में होता है, ये दो प्रकार में होता है, समझे।
यानी बेरोजगार हम लोग समझ सकते हैं, बेरोजगार उसी कहा जाता है जो उसका कोई निश्चित रोजगार नहीं होता है, समझ में ना। यानी किसी कार्य को करने के लिए एलिजिबल है, किसी कार्य को करने के लिए उस किसी कार्य को करने के लिए वो क्या है, एलिजिबल है, लेकिन उसको निश्चित कार्य नहीं मिलता है। आज मिला, 5 दिन के बाद नहीं मिलेगा, 5 दिन के बाद मिला, फिर उसके अगला दिन नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को कोई निश्चित रोजगार नहीं होता है, यानी इसको ऐसे बोला जाएगा कि अगर 15 दिन के अंदर कोई व्यक्ति को निश्चित रोजगार नहीं मिलता है, वो क्या है, बेरोजगार है। जैसे आप लोगों को कहा थे कि अगर ग्रामीण स्तर पर जो होते हैं, ग्रामीण स्तर पर अगर कोई व्यक्ति को 328 रुपया से अगर कम कमाते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार के नाम से जाना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति को क्या होता है 454 रुपया से यदि कम कमाता है, तो वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कहा जाएगा उसको क्या कहा जा सकता है, वो शहरी क्षेत्र में बेरोजगार है, समझ रहे ना। तो इसी प्रकार के संदर्भ में हम लोग समझते हैं आगे। एक ही भूखंड पर आने वाली पीढ़ी जुट रही है, यानी कहने का अर्थ ये है कि आज हमारे बीच में ऐसी घटनाएं उत्पन्न हुई हैं कि नए नए पीढ़ी का क्या हो रहा है, नए नए पीढ़ी में वृद्धि हो रहा है, समझ रहे ना, रोजगार में भी वृद्धि हो रहा है। अब कैसे होगा, बहुत सारी समस्याएं होगी, क्योंकि इतना जनसंख्या बढ़ रहा है जिनकी बदौलत क्या रहा है, रोजगार मिलने की अवसर जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, समझ रहे ना। रोजगार मिलने की अवसर क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, यानी अत्यधिक पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन अब कृषि कार्य करने के लिए भूखंड जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक ऐसा दिन आएगा कि बेरोजगार लोग हो जाएंगे, एक ऐसा दिन आएगा जो उन लोग को खाने के लिए निश्चित भोजन नहीं रहेगा, एक ऐसा दिन आएगा जो भूखमरी आ जाएगी, एक ऐसा दिन आएगा जो भूख के बारे लोग मर जाएंगे। जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग को मैंने समस्या हुआ, और इस समस्या का निदान बस यही है कि अपने अच्छा से पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, और सबसे अलग सोचना है, सबसे अलग करना है, तभी जाके आप पॉसिबल होंगे, और पॉसिबल है कि तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है, समझे। इसलिए आप क्या कीजिए, घर पे काफ़ी मेहनत कीजिए, सबसे अलग सोचिए, सबसे अलग बनिए, तब जाके आपका महत्व अधिक होगा। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं कि जिससे उत्पादन की मात्रा में पीसीआई घट रही है, यानी कहने का अर्थ ये है कि जब आप पिछले क्लास में आपको प्रोडक्शन यानी उत्पादन को समझाए थे, यानी कोई भी व्यक्ति अपने उपयोगिताओं का सृजन करता है, वो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, समझ में ना, यानी उसे क्या कहा जाता है, उत्पादन के नाम से जाना जाता है। ये उत्पादन जो होता है 5 प्रकार के उत्पादन होते हैं, पहला जो होता है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन, और पांचवा क्या होता है, इंटरप्राइज यानी उद्यम या साहस। यानी 5 प्रकार के जो होते हैं, 5 में से किन्हीं एक न रहे तो हमारे निश्चित प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं होगी, उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पर यही बात है कि जिससे उत्पादन की मात्रा में PCI जो है घट रहा है, जो आप लोग पिछले क्लास में PCI NI समझा दिए थे। तो PCI हम लोग समझ लेते हैं कि PCI देखिए उसे कहा जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं PCI, यानी PCI कहते हैं NI बाटा में टोटल पॉपुलेशन, क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड PCI, समझ में ना। यानी कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय आय में टोटल जनसंख्या से भाग देने के बाद में हम लोग को क्या प्राप्त होता है, PCI यानी पर कैपिटा इनकम, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, यानी NI यानी नेशनल इनकम,
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय यानी टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या, यानी इसका परिभाषा ऐसे होगा कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर हम जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम, या कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। तो यही क्या हो रहा है, यही अत्यधिक बेरोजगारी होने के कारण हमारे देश में अर्थव्यवस्था जो है घट रहा है, समझे ना। यानी हमारे देश में क्या हो रहा है, पीसीआई की मात्रा जो है घट रहा है, समझे ना। क्योंकि इस सेक्टर में 67% लोग क्या करते हैं, इसी पर आश्रित होते हैं, समझ में ना, क्या होते हैं, इसी पर आश्रित होते हैं। और मान लीजिए कि भूखंड में तो वृद्धि हो रही नहीं रही है, खेत जो है अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये इसका पतन जब होगा तो रोजगार तो मिलेगा नहीं, तो कृषि कार्य नहीं होगा, तो जब कृषि कार्य नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फसल का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी। इसलिए क्या करना है, इसलिए हम लोग को ओवर टैलेंटेड बनना है और अत्यधिक मेहनत करना है, नहीं तो आने वाले भविष्य में काफी दिक्कतें आएंगी। तो इसी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है, ऐसे पूछा भी गया था, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो यानी कृषि कार्य आते हैं, पशुपालन आते हैं, वन आता है, मछली पालन आता है, यानी इन्हीं ये जितना भी हमने बोला ये क्या होता है, ये आपसे बारी बारी करके ऑब्जेक्टिव टाइप में बन जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं। तो तीन ऐसे दिया जाएगा जो नहीं आते हैं, एक ऐसा दिया जाएगा जो आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग समझ लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, जो कल अगर आप लोग को पढ़ाया जाएगा दूसरा और तीसरा सेक्टर को पढ़ाएंगे और उसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, मस्ती कीजिए घर पे और पढ़ाई भी कर रहे हैं, समझ में ना, तो बाय बाय।